कैनेडा च स्टडी वीजे ते गए पंजाबी विद्यार्थी गिरफ्तार, वजह जान के होवोगे हैरान। कैनेडा च बार्डर सुरक्षा एजेंसी ने 187 थावां ते छापेमारी करके 950 नौजवानों नूं गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए सारे नौजवान भारत खास तौर पर पंजाब के हैं, जो घट तनखाहां ते अते नियमां तों उपर गैर कानूनी तौर पर काम कर रहे सन। हुण इन्हां नौजवानों लई कैनेडा विच परमानेंट रेजिडेंसी PR हासिल करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इन्हां दे रिकॉर्ड विच नैगेटिव रिपोर्ट दर्ज की गई है। सीमा सुरक्षा वालों फड़े गए नौजवान 185 तो वध अदारियां विच काम करते सन, जो कि इन्हां नूं गैर कानूनी ढंग नाल रोजगार दे रहे सन। इन्हां अदारियां ते लखां डालर का जुर्माना लगाया गया है। स्टूडेंट वीजे ते कैनेडा आने वाले विद्यार्थियों नूं हफ्ते च 20 घंटे काम करने की इजाजत है, पर ज्यादा पैसे कमाउण दे लालच च ये विद्यार्थी 30 घंटे जां इस तों वध काम कर रहे सन, जिसकी कानून मुताबक मनाही है। कैनेडा विच अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों नूं घट्टो घट $35 प्रति घंटा उजरत हासिल करने की लोड़ हुंदी है, पर यह गैर कानूनी नौजवान हफ्ते विच 40 घंटे तो वध काम कर रहे सन, जिन्हां विचों सिर्फ 20 ही कानूनी सन। इसके बावजूद उन्हां नूं घट उजरत ते काम करन लई मजबूर किया गया, जिस नाल उन्हां दी हालत होर भी तरसयोग बन गई है। कैनेडियन अर्थव्यवस्था ने हाल ही विच जून 2023 विच 1400 नौकरियां दा हैरानीजनक नुकसान देखा, जिस नाल बेरोजगारी दी दर 6.4% हो गई, जो पिछले 29 महीनों विच सब तो वध है। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਬ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।